कहानी सुननी है। हाथी, घोड़े, राजा, रानी, इन सब की कहानियां तो तुम बहुत सुन चुके होंगे। आज मैं तुम्हें नन्हे से जीव की कहानी सुनाऊंगी। अच्छा जी, वो है कौन? वो एक नन्ना सा कीड़ा है। मैं तुम्हें आज एक कीड़े की कहानी सुनाऊंगी। एक शहतूत के पेड़ पर एक सफेद रंग का कीड़ा रहता था। दिन भर मटर गस्ती करता था। उसे दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी और जिस पत्ते पर वह रहता था उसी को खाता रहता था। उस पेड़ पर एक चिड़िया उसे रोजाना देखती। एक दिन मौका देखकर उस चिड़िया ने उस कीड़े को अपनी चोंच में दबोच लिया और बोली, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी। बेचारा कीड़ा जोर से चिल्लाया, बोला, चिड़िया दीदी, आज मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम जानती नहीं हो मैं कोई ऐसा वैसा कीड़ा नहीं हूँ। मैं रेशम कीट हूँ, बहुत मूल्यवान और अनोखा कीड़ा हूँ। तो चिड़िया बोली, आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, चल जा, तेरी जान बख्शती। तू सारा दिन बस शहतूत की पत्ती को ही खाता रहता है और कोई काम नहीं है कि तेरे पास? नहीं नहीं दीदी, ऐसे ही तो मैं अपने आप को अनोखा नहीं कह रहा हूँ। क्या आप मेरी जीवन की कहानी सुनना चाहोगी? तो चिड़िया बोली, चल बोर तो हो ही रहे हैं, तू अपनी कहानी ही सुना दे। तभी वो कीड़ा बोला, मेरे माता पिता तितली जैसे दिखते हैं और मनुष्य हमें इंग्लिश में सिल्क मॉथ बुलाते हैं। मेरी माता ने मुझे इन्हीं शहतूत की पत्तियों पे अंडे के रूप में जन्मा था। यह देखो, वो रहे और अंडे। इन अंडों में से लगभग 10 दिनों में विकसित हुआ था मैं, यानी कि कैटरपिलर। और जिस शहतूत की पत्तियों पे मैं विकसित हुआ उसी शहतूत की पत्तियों को मैंने खाना शुरू कर दिया। मेरा काम सारा दिन बस इन शहतूत की पत्तियों को खाना है और मोटा हो जाना है। बड़ा होके मैं विकसित हो जाता हूं और बन जाता हूं कोकून। लगभग 25-30 दिन लग जाते हैं मुझे इस स्टेज में आने के लिए। इस स्टेज में मैं अपनी लार ग्रंथियों के द्वारा अपने चारों ओर एक पदार्थ की संरचना करता हूं जो एक धागे की तरह दिखती है और वायु के संपर्क में आते ही यह रेशम का धागा बन जाता है। मनुष्य हमें इस रेशम के धागे को संसाधित करने के लिए पालते भी हैं। चिड़िया दीदी, उसके बाद मैं प्यूपा में विकसित होता हूं और फिर व्यस्क के रूप में अपने माता पिता जैसे दिखने वाले सिल्क मॉथ बन जाता हूं। तो चिड़िया बोली, अरे वाह भाई, तुम तो बड़े काम की चीज हो। पर मुझे एक बात बताओ कैटरपिलर, कि मनुष्य तुम्हारे इस रेशम के धागे का करते क्या है? तुरंत वह कैटरपिलर बोला, वो उस रेशम के धागे से रेशम के वस्त्र बनाते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में सुंदर भी दिखते हैं और शरीर पर सॉफ्ट फीलिंग भी देते हैं। तो चिड़िया बोली, अरे भाई कैटरपिलर, फिर एक ड्रेस मेरी भी सिलवा दो ना। तो तुरंत ही वह कीड़ा बोला कि ठीक है, तुम्हारी भी एक ड्रेस सिलवा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे वापस उस शहतूत की पत्ती पे अपने भाई बहनों के साथ में रख के आना पड़ेगा। चिड़िया बोली, बस इतनी सी बात, लो अभी रख देती हूँ। और वो तुरंत उसे दोबारा उस शहतूत के पत्ते पर छोड़ाती है और फुर से उड़ जाती है। तो आज घर जाके आप क्या करोगे? आप इस रेशम कीट के जीवन चक्र की कहानी को अपनी कॉपियों में लिखोगे और इसे समझाते हुए सुंदर सुंदर चित्र भी बनाओगे। और कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।